करहल में सर्व समाज ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर किया शत शत नमन। खबर करहल से है, जहां राजस्थान के जयपुर में राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्मम हत्या कर देने के चलते देशभर में आक्रोश आंदोलन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इस घटना को लेकर जनता में काफी गुस्सा है। जनता हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर है। वहीं ऐसी घटनाओं के खिलाफ करहल में भी आक्रोश देखा जा रहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए बुधवार की रात करहल चौराहे पर शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी समाज के लोगों ने सुखदेव सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं मौजूद समाज सेवियों ने सुखदेव सिंह की जीवनी पर कुछ शब्द भी बोले कि किस तरह से किसी भी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सुखदेव सिंह की तलवार बीच में आ जाती थी। आज वो वीर हमारे बीच में नहीं है, उनकी वीरता कभी भुलाई नहीं जाएगी, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक निमंत्रण कार्ड देने के बहाने अंदर उसमें घुसी उनके मकान में और उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया और 17 गोलियां उन पर बरसाई गईं। उनमें 4 गोलियां उनके अंदर शरीर में लगी और उनकी मृत्यु हो गई और एक उनके साथी थे उनमें भी गोलियां लगी और उनकी भी मृत्यु हो गई और एक अभी घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। और 3 लोग आए जो हत्यारे थे, वो एक हत्यारे को तो उनके बॉडी गार्ड ने हाल क्या गोली मार दी और 2 लोग भाग गए। और इसीलिए पूरे राष्ट्र में करणी सेना के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह जी और सभी लोगों ने पूरे देश में आज सभी जगह यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और इसी तारतम्य आप सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि हम सभी लोग उनके मौन के रूप में हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर मौन धारण करें। जबकि सम्माननीय हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी पूर्व में एक नारा लगाया गया था, उस पर JNU में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये हर अन्याय के हर मतलब गलत बात के सख्त मतलब विरोधी थे। तब इन्होंने ये कहा था कि ये ऐसा नारा मतलब लगाने वाले जो भी लोग हैं उनको पहले हमारे राजपूतों की मतलब तलवारों का सामना मतलब करना मतलब पड़ेगा और सामान्य वर्ग या किसी भी वर्ग पर इस तरह की कोई बात हो और कोई ऐसी अनुचित बात कहे, क्योंकि देश में सभी जातियां रहती हैं, सभी को अपना अपना अधिकार है मतलब रहने का। तो इस तरह के ये लोग थे कि हर अन्याय के मतलब विरोधी थे और इन्होंने ये कहा था कि हमारी तलवारों का सामना करना मतलब पड़ेगा। उसके बाद से वो मतलब JNU यही कि या उस तरह का जो संगठन था वो लोग थे, आज तक उस तरह की कोई बात मतलब नहीं हुई। ऐसे हम राष्ट्रीय मतलब नेताओं का आज के लिए मतलब श्रद्धा मतलब सुमन अर्पित मतलब करते हैं और आशा करते हैं कि इस तरह के देश के लिए मतलब समर्पित, सभी समाजों के लिए मतलब समर्पित मतलब भविष्य में भी इस तरह के लोग होते रहेंगे। हम हजारों हजार मतलब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।